आपके साथ। कनाडा इन दिनों विवादों का सामना कर रहा है। निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ संबंध खराब हो चुके हैं। वहीं एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा करने के कारण रूस के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सबके बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को औपचारिक रूप से मांगी माफी। उन्होंने माफी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने चैम्बर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी में एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा के लिए मांगी है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि ओटावा माफी मांगने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से पहले ही कीव और जेलेंस्की तक अपनी बात पहुंचा चुका है। एथोनी रोटा ने बीते शुक्रवार को सदन में सार्वजनिक रूप से यारोस्लाव हुंका को हीरो करार दिया। इसके बाद मंगलवार को सदन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि हुंका एक पोलिश मूल के यूक्रेनी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर की वेफन एसएस इकाइयों में से एक में नौकरी की थी। बाद में वह कनाडा चले गए। रूस का कहना है कि घटना उसके उस दावे का समर्थन करती है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध का उद्देश्य देश की एकता को खंडित करना है। वहीं कीव और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने आरोप को निराधार बताया है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।